हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो। स्टूडेंट गो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो है राज मुकुट नाटक की। तो आइए जानते हैं इस नाटक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये नाटक किस किस जगहों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे इस नाटक से रिलेटेड, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी ये नाटक है क्या। फिर तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नाटक का नाम है राजमुकुट नाटक और जो इसके राइटर है व्यथित हृदय। इनके राइटर का नाम है व्यथित हृदय। उसके बाद यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर केवल उन्हीं जगह के नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये राजमुकुट नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन्हें जिन्हें ये नाटक एग्जाम्स में लिखना है। तो आइए देखते हैं जगह के नाम। सबसे पहले दिया गया है बुलंदशहर, यानी कि जो स्टूडेंट्स बुलंदशहर से संबंधित हैं वो राजमुकुट नाटक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर दे सकते हैं। फिर है मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, देवरिया, बांदा, रामपुर, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात और सोनभद्र जनपदों के लिए। यहाँ पर जितने भी जगहों के नाम बोले गए हैं अभी, उन सभी जगह के लिए ये राजमुकुट नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, अगर आप इन सभी जगह से हैं तो इस नाटक को आप जरूर देखिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं इस नाटक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है इसका जो प्रश्न, श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित राजमुकुट नाटक का सारांश अथवा कथा सार संक्षेप में लिखिए। ये राजमुकुट नाटक जो है, हमें इसका सारांश लिखना है या फिर इसका कथा सार संक्षेप में लिखना है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए, यानी कि राजमुकुट नाटक की जो पूरी कहानी है वो हमें शॉर्ट तरीके से लिखनी है। इसके बाद यहाँ पूछा गया है, राजमुकुट नाटक के द्वितीय अंक का कथा सार लिखिए, यानी कि ये जो नाटक है इसमें तीन चार अंक तो जरूर होंगे, तो हमें द्वितीय अंक का इसमें कथा सार लिखना है, यानी कि सिर्फ द्वितीय अंक की कहानी। नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजमुकुट नाटक के तृतीय अंक का कथा सार संक्षेप में लिखिए। इस प्रश्न में हमसे कहा था कि द्वितीय अंक का कथा सार लिखना है और इसमें अब कह रहा है कि तृतीय अंक का कथा सार लिखना है। तो इस तरीके से आपको अगर ये पूरा नाटक याद है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप नाटक समझ लेते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। फिर है राजमुकुट नाटक के प्रथम अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले अंक की कथा लिखनी है और वो भी अपने शब्दों में। फिर आता है राजमुकुट नाटक के किसी एक अंक की कथा संक्षेप में लिखिए, और यहाँ पर तो हमें ऑप्शनली दे दिया गया है, यानी कि आपको जिस अंक की कथा याद है आप उस अंक की कथा संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट तरीके से करके लिख सकते हैं। फिर आता है राजमुकुट नाटक के अंतिम चतुर्थ अंक की कथा संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि चतुर्थ अंक जो है वो राजमुकुट नाटक का अंतिम अंक है, तो हमें उसकी कथा संक्षेप में यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आता है राजमुकुट नाटक की कथा एवं अंतर कथाओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें उसकी कथा पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, यानी कि क्या विचार आते हैं उसको। फिर है राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप तथा अकबर की भेंट का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसमें हमें राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप और अकबर की भेंट का वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैंने बता दिए इस नाटक से रिलेटेड जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका नाटक। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं नीचे। यहाँ से होती है नाटक की शुरुआत। राजमुकुट नाटक नाटककार श्री व्यथित हृदय का एक ऐतिहासिक नाटक है। श्री व्यथित हृदय नाटककार का नाम है जिसने की राजमुकुट नाटक को लिखा है, और ये नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में महाराणा प्रताप की वीरता, बलिदान और त्याग की कथा अंकित है। महाराणा प्रताप को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो इस नाटक में उनकी वीरता का और बलिदान का और त्याग का, ये सब कथाएं उनकी अंकित है। कथा का प्रारंभ यानी कि कथा की स्टार्टिंग महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से तथा कथा का अंत महाराणा प्रताप की मृत्यु पर होता है, यानी कि कथा की जो स्टार्टिंग है वो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से होती है और जब कथा एंड होता है उस टाइम महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। राज्याभिषेक का मतलब जब राज्य का राजा बनाया जाता है महाराणा प्रताप को, उस टाइम से कथा स्टार्ट होती है। महाराणा प्रताप इस नाटक के नायक हैं। तो इस नाटक के जो हीरो हैं वो महाराणा प्रताप है, यानी कि नायक जो है वो महाराणा प्रताप है। इस नाटक से रिलेटेड आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि इस नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक
नायक जो वर्ड लिखा रहेगा उसके स्थान पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के चरित्र का चित्रण करना है। तो इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम प्रथम अंक, यानी कि यहाँ पर नाटक का सबसे पहला अंक है नाटक की शुरुआत। प्रस्तुत नाटक के प्रथम अंक की कथा मेवाड़ के राणा जगमल के महल से आरंभ होती है। नाटक की कहानी स्टार्ट होती है मेवाड़, जो जगह का नाम है वहाँ पर राणा जगमल जो है उनके महल से स्टार्ट होती है। यहाँ पर राणा जगमल किसी राजा का नाम है। राणा जगमल एक विलासी और क्रूर शासक है, यानी कि ये बुरा शासक है। वे अपनी मर्यादा का निर्वाह करना भूल गया था, यानी कि किस तरीके से अपने राज्य को संभालना है, किस तरीके से मर्यादा में रहना है, वो सब बातें वो भूल गया है तथा सूरा सुंदरी में डूबा रहता था। ऐसे ही समय में राष्ट्र नायक कृष्ण जी चंदावत राजसभा में पहुंचते हैं तथा राणा जगमल को उसके नीच कर्मों के लिए भला बुरा कहते हैं। यानी कि इसी टाइम पर जो राष्ट्र नायक हैं कृष्ण जी चंदावत, इनका नाम है कृष्ण जी चंदावत और ये राष्ट्र नायक हैं, ये राज्यसभा में पहुंचते हैं और राणा जगमल जो है उसे भला बुरा कहते हैं। वे जगमल से मेवाड़ का मुकुट उचित पात्र को सौंपने के लिए आग्रह करते हैं। यानी कि जो राष्ट्र नायक कृष्ण जी चंदावत हैं वो राणा जगमल से कहते हैं कि जो मेवाड़ का मुकुट है वो किसी उचित पात्र को सौंप दिया जाए। उचित पात्र को यानी कि किसी सही इंसान को जो राज्यसभा को संभाल सके। जगमल उनकी बात स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि जो जगमल है वो उनकी बात मान लेता है तथा चंदावत जी से योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहता है। यानी कि वो चंदावत जी से ही कह देता है कि आप ही उत्तराधिकारी चुनिए। तो चंदावत राणा जगमल से राजमुकुट लेकर, यानी कि जो राजमुकुट है वो राणा जगमल से लेकर के प्रताप के शीश पर रख देते हैं। प्रताप का यहाँ मतलब है महाराणा प्रताप, यानी कि वो मुकुट महाराणा प्रताप जी के सिर पर रख दिया जाता है। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रजा इसलिए खुश हो जाती है क्योंकि महाराणा प्रताप जी को वहां का राजा बना दिया जाता है। प्रताप विदेशी शासक से लोहा लेने का प्रण करते हैं तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यानी कि जो महाराणा प्रताप हैं वो विदेशी शासकों से भिड़ने को तैयार रहते हैं और अपने देश को स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह संकल्प नाटक की कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है। अब यहाँ से नाटक की कथा आगे बढ़ती है। तो ये था हमारा फर्स्ट अंक। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर द्वितीय अंक। प्रताप मेवाड़ के राजा बनते ही अपनी प्रजा के खोए हुए सम्मान की रक्षा करते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन जाते हैं तो अपनी प्रजा का जो खोया हुआ सम्मान है उसकी रक्षा करते हैं। वे प्रजा में वीरता का संचार करने के लिए अनेक आयोजन भी करते हैं, यानी कि अपने प्रजा के लोगों को वीर बनाने के लिए कई आयोजन भी करते हैं। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर जंगली सुअर के आखेट को लेकर प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह में विवाद हो जाता है। यानी कि एक बार आयोजन रखा गया था और उसी आयोजन के अवसर पर जंगली सुअर के आखेट की बात को लेकर के, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो यहाँ पर जंगली सुअर के शिकार को लेकर प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह में विवाद हो जाता है। महाराणा प्रताप जो है उनके भाई का नाम यहाँ पर दिया गया है शक्ति सिंह, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। विवाद बढ़ जाने पर, यानी कि जब झगड़ा बढ़ जाता है, तो दोनों भाई शस्त्र निकाल कर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शस्त्र यानी कि हथियार निकाल कर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। भावी अनिष्ट की आशंका या राजकुल को संकट से बचाने के लिए राजपुरोहित अपनी कटार से अपना ही प्राणांत कर लेते हैं। यानी कि जो राजकुल है, यानी कि जो राजसभा है, उसको संकट से बचाने के लिए जो राजपुरोहित है वो अपनी कटार यानी कि अपनी ही तलवार निकाल करके खुद ही प्राणांत कर लेते हैं, यानी कि खुद की ही हत्या कर लेते हैं। प्रताप शक्ति सिंह को देश से निर्वासित कर दिया जाता है। यानी कि जो महाराणा प्रताप हैं वो अपने भाई शक्ति सिंह को देश से निकाल देते हैं। शक्ति सिंह अपने को अपमानित अनुभव करते हैं, यानी कि शक्ति सिंह का बहुत अपमान होता है, वो ऐसा फील करते हैं तथा अकबर के साथ मिल जाते हैं। जब उन्हें प्रताप देश से निर्वासित कर देते हैं, यानी कि देश से निकाल देते हैं, तब शक्ति सिंह जाकर के अकबर से हाथ मिला लेते हैं। अब देखते हैं इसमें तृतीय अंक की कथा। तृतीय अंक में दिया गया है मानसिंह राणा प्रताप से बहुत प्रभावित था। मानसिंह यहाँ पर जो राणा प्रताप हैं उनसे बहुत ही प्रभावित है। एक बार वे राणा प्रताप से मिलने आया। राणा उसे विधर्मी और पतित समझते थे, यानी कि राणा उसे अपने विरोधी साइड का समझते थे, क्योंकि मानसिंह की बुआ मंगल सम्राट अकबर की विवाहित पत्नी थी। क्योंकि जो मानसिंह है उनकी बुआ अकबर की पत्नी थी, तो इसीलिए
वो मानसिंह को भी अपने विरोधी पक्ष का समझते थे, इसलिए राणा ने उससे स्वयं भेंट ना करके उसके स्वार्थार्थ अपने पुत्र अमर सिंह को नियुक्त किया। तो इसीलिए जब मानसिंह राणा प्रताप से मिलने आते हैं तब वो खुद उनसे मिलने नहीं जाते हैं, जबकि अपने बेटे को भेजते हैं। उनके बेटे का नाम दिया गया है अमर सिंह। मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला चुकाने की बात कहकर वहां से चला गया। यानी कि मानसिंह को इंसल्ट फील होती है और वो इसका बदला लेने की बात कहकर के वहां से चला जाता है तथा दिल्ली के सम्राट अकबर से जा मिला। और अब वो दिल्ली के सम्राट जो अकबर हैं उनसे जा करके ये भी हाथ मिला लेता है। चतुर अकबर अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर जो शक्ति सिंह है वो भी अकबर की साइड हो चुके हैं और जो मानसिंह है वो भी अकबर की साइड हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो अकबर है वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर देता है। हल्दी घाटी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए कृष्णजी चंदावत प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर स्वयं पहन लेते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध होती है तो महाराणा प्रताप वहां बुरी तरीके से घिर जाते हैं अपने दुश्मनों से। तो कृष्णजी चंदावत यानी कि जो उनके मंत्री है कृष्णजी चंदावत वो उनकी रक्षा करने के लिए उनके सिर से मुकुट उतार करके अपने आप पे पहन लेते हैं और युद्ध भूमि में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। यानी कि दुश्मन समझते हैं कि जिसके सिर पर मुकुट है वही महाराणा प्रताप है और वो कृष्णजी चंदावत यानी कि महाराणा प्रताप के मंत्री को मार देते हैं। प्रताप बच जाते हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है वो बच जाते हैं परंतु दो मुगल सैनिक प्रताप का पीछा करते हैं। ऐसे समय पर शक्ति सिंह का भातृ प्रेम जागता है और वे पीछा करके दोनों मुगलों को मार देते हैं। यानी कि ऐसे ही टाइम पे शक्ति सिंह उन दोनों मुगलों को मार देते हैं। शक्ति सिंह और प्रताप आपस में गले मिलते हैं यानी कि अब शक्ति सिंह अकबर की साइड ना रह करके वापस अपने भाई की साइड आ गए हैं और दोनों गले मिलते हैं। इसी समय राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अपने प्राण त्याग देता है। यानी कि इस टाइम जो राणा प्रताप का बहुत ही फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम था चेतक वो भी मर जाता है। इसके बाद चतुर्थ अंक है जो कि इस नाटक का लास्ट अंक है। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो खत्म हो जाता है। लेकिन राणा हार नहीं मानते। लेकिन जो महाराणा प्रताप है वो हार मानने को तैयार नहीं होते। अकबर प्रताप की देशभक्ति त्याग और वीरता का लोहा मानते हैं। यानी कि अब तो अकबर भी प्रताप की तारीफ करने लगे थे तथा वे महाराणा प्रताप के प्रशंसक बन जाते हैं। एक दिन प्रताप के पास एक सन्यासी आती है। प्रताप सन्यासी का उचित सत्कार न कर पाने के कारण अत्यधिक व्यथित हैं। जो प्रताप हैं वो सन्यासी का अच्छे तरीके से आदर सत्कार नहीं कर पाते हैं तो इस बात से भी प्रताप दुखी होते हैं। इसी समय राणा की पुत्री चंपा घास की बनी रोटी लेकर आती है जिसे एक वन विलाव छीनकर भाग जाता है। चंपा गिर जाती है और पत्थर से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि राणा प्रताप की पुत्री की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ समय पश्चात अकबर सन्यासी वेश में वहां आता है और कहता है कि आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माता को अपनी माँ समझता है, जो आपकी भांति उसकी जय बोलता है। इसी समय अकबर राणा को भारत माता का सपूत बताता है और प्रताप के दर्शन करके अपने को धन्य मानता है। संघर्षरत प्रताप रोगग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि इसके बाद जो प्रताप हैं वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। वो शक्ति सिंह और अपने सभी साथियों से स्वतंत्रता प्राप्ति का वचन लेते हैं। यानी कि अपने जो भाई है उसे भी बता देते हैं और जो अपने जितने भी साथी हैं उन सबसे भी स्वतंत्रता प्राप्ति का वचन लेते हैं। भारत माता की जय घोष के साथ ही महाराणा का देहांत हो जाता है। यानी कि महाराणा प्रताप जी की भी मृत्यु भी हो जाती है। फिर दिया गया है राजमुकुट की ये कथा भारत के स्वर्णिम इतिहास और एक रण बांकुरे वीर की अमर कहानी है। तो इस तरीके से नाटक का यहाँ पर एंड होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।